हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी। आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये आपका एक न्यू सब्जेक्ट है, न्यू इसीलिए क्योंकि इसका कोई भी एग्ज़ाम पैटर्न फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। यानी अगर आप पहली बार एग्ज़ाम इसके लिए देने वाले हो, आप पहले स्टूडेंट हो जो इसका इस पेपर का एग्ज़ाम आप दोगे। बेसिकली जैसे नाम से पता चल रहा है, ये जो सब्जेक्ट है ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है। यानी अगर कोई पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है उसके लिए सब्जेक्ट काफ़ी इजी है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिक लेवल के बनते हैं। तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन कोर्स का ये सब्जेक्ट है, ऑल कोर्सेज में ये इस बार दिया गया है वैक के अंदर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब भी मैं कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ उससे पहले मैं उस सब्जेक्ट का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर मैं बात करूँ इस सब्जेक्ट की, ये पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक लैंग्वेज में इस पेपर को देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पैटर्न जरा डिस्कस कर लेते। देखिए, अभी तक हमने जितने पैटर्न देखे हैं वैल्यू एडिशन कोर्स के अंदर, जैसे फाइनेंस फॉर एवरीवन का जो पेपर था वो 30 नंबर का आया, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का जो आपका पेपर था आपका स्किल एनहांसमेंट का, वो आपका 80 नंबर का आया। अब बात हुई वैल्यू एडिशन कोर्स की, हो सकता है इसका जो पेपर हो 50 नंबर का है, हो सकता है इसका पेपर आपका 70 नंबर का है, हो सकता है इसका पेपर आपका 80 नंबर का है, हो सकता है 30 नंबर का भी है। तो यानी अभी हम मार्किंग को लेके कुछ नहीं कह सकते, बट इतना आपको बता रहे हैं कि चाहे कितने भी नंबर का पेपर आए आपको उसमें से 40% नंबर ही लेकर आने हैं। आपको ऑप्शन मिलेंगे टोटल कितने क्वेश्चन करने होंगे, हो सकता है सारे करने पड़े बट उसमें आपको ऑप्शनल ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक जितने हमने पेपर देखे, ये जो एडिशनल कोर्सेज जो सब्जेक्ट है आपके एडिशनल सब्जेक्ट, तो एक घंटे का भी हमने पेपर देखा जैसे फाइनेंस फॉर एवरीवन, दो घंटे का भी देखा, ढाई घंटे का भी देखा और तीन घंटे का भी देखा। तो ये जो इसकी टाइमिंग जो होती है वो क्वेश्चन पेपर पे आपको पता चलेगी। हो सकता है दो घंटे का भी हो, ढाई घंटे का भी हो, एक घंटे का। अगर मैं डेट शीट की बात करूँ उसका अकॉर्डिंग है दो घंटे का शो कर रहा है, बट अब देखना पड़ेगा आपके क्वेश्चन पेपर पे क्या रहता है, ठीक है। अब जरा इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें टोटल जो यूनिट आपकी है, इसमें टोटल 3 यूनिट है। पहली यूनिट में संघीय गणराज्य कानून का शासन, शक्ति का प्रतिकरण, मतलब कि जो संघीय गणराज्य, आपको पता है हमारा जो भारत है वो संघीय है, संविधान संघीय है, ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का दोनों का योगदान होता है। संप्रभुता, समाजवाद, लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी संविधान के बारे में पढ़ेंगे हम। पहले यूनिट में पढ़ेंगे भारत का संविधान का एक परिचय, ठीक है। दूसरा है आपका संवैधानिक मूल्य, जिसमें न्याय, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है। फिर आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास पूजा, ये सब बेसिक है। ये सब आप अगर आप पॉलिटिकल साइंस अगर आपके पास होगी तो आपको पता होगा ये सब पहले आप पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर समानता कानून, से पहले समानता कानूनों के समान आवेदन, भाईचारा, गरिमा, एकता, अखंडता, बताइए। फिर आपका तीसरा यूनिट मौलिक कर्तव्य, धर्म निरपेक्षता, धार्मिकता, कट्टरत्व, चेतना की प्राचीन भारतीय धारणाओं पर विचार करना, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A से 51A के बारे में, मौलिक कर्तव्यों की कानूनी स्थिति, न्यायिक दृष्टिकोण। बस ये सारा इसमें आपका सिलेबस है। इंग्लिश मीडियम वालों का भी सिलेबस दिखा दूँ, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए सिलेबस था, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है सिलेबस, देख सकते हो आप, सारा बेसिक है, ठीक है। तो अब जरा बात कर लेते जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हो, जिसके लिए आपने कॉलेज अपडेट्स को ज्वाइन किया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, कई स्टूडेंट कहते हैं सर कुछ क्वेश्चन आते कुछ क्वेश्चन नहीं आते, पहले रिलेट करने चाहिए। जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वही आपको देखने को मिले। ज़्यादातर केसेस में होता यह है एग्जामिनर उन क्वेश्चन को घुमा देता है पर आंसर सेम ही निकलता है, ठीक है। तो जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पहला ये है भारत के संविधान पर चर्चा करें संघीय और गणराज्य के रूप में, चर्चा करनी है इसके बारे में, बताना है, व्याख्या करनी है। दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है भारतीय संविधान की बुनियादी विशेषताओं की व्याख्या करें,
टोटल 10 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर आपका तीसरा जी कोर्स सर्वधर्म समा वह संदर्भ में भारत में धर्म निरपेक्षता का गंभीर रूप से विश्लेषण करें, मतलब आपको उसमें धर्म निरपेक्षता के बारे में बताना है। सिंपल है, धर्म निरपेक्षता क्या है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये घुमाने वाली चीज़ जो होती है तो ये डाल देते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय को परिभाषित करें, बेसिक। फिर क्वेश्चन नंबर 5 संक्षेप में स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति विश्वास मौलिक अधिकारों के रूप में पूजा की व्याख्या करें, जो हमें अधिकार दिए हुए हैं ना कि पूजा का राइट्स है हमें, हम किसी की देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, हम किसी भी कास्ट को अपना सकते हैं, हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं, हम कोई भी जाति के जाति को अपना सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका समानता क्या है, अनुच्छेद 14 के तहत उल्लेखित कानून से पहले समानता की व्याख्या करें, समानता के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय संविधान में बिरादरी का वर्णन करें, भारतीय संविधान में बिरादरी का बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 प्राचीन भारत में अधिकारों और कर्तव्यों की चेतना की अवधारणा का व्याख्या करें, जो प्राचीन भारत था पहले का जो टाइम था एंशिएंट इंडिया में, तब कंसेप्ट क्या था राइट और अधिकार का, मतलब कर्तव्य अधिकार का राइट क्या था उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करें, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है, वो कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हमें दे रखी है और उनके बारे में आपको व्याख्या करनी है अच्छे से, हर एक फंडामेंटल ड्यूटी आपको बतानी है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य क्या है, देखिए कर्तव्य पर सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है, देखिए मौलिक कर्तव्य क्या मैं आपको बताऊँ, सिंपल बता रहा हूँ। देखिए मौलिक कर्तव्य का मतलब ये है, मान के चलिए वो कर्तव्य, मान लीजिए अगर आपसे कोई कहता है कि आप दीवार पे मत थूको, थूकना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी दिल्ली है, ठीक है, क्या लोग मानते हैं वो थूक देते हैं, तो यानी कि हमें साफ रखना ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब है कि हम लोगों को बोल सकते हैं बट उनके ऊपर हम कानून नहीं बना सकते, कर्तव्य ये है। मतलब अगर हम आपसे कहेंगे कि आपको मतलब ऐसे नहीं चलना है, आपको मतलब एब्यूज नहीं देनी है किसी को, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम एक अच्छे नागरिक बन के रहें। बट कर्तव्य और अधिकार बहुत फ़र्क है, कानून और अधिकार कर्तव्य बहुत वो है। अब मान लीजिए आदेश का क्या मतलब है, हमने किसी को आदेश दिया कि अगर आपने ऐसा किया तो अब कानून का उल्लंघन होगा, तो उस कंडीशन में जुर्माना तो लगेगा, बट कर्तव्यों में ऐसा नहीं होता। हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य उनको आप कर लेना, पहले तो बताना आपको मौलिक कर्तव्य क्या है और कर्तव्य पर सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है, क्या इनको मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ये मतलब पूरा आपको पढ़ना होगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कैसे लगे और वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो ये थी आज की वीडियो, दोबारा देख लीजिए, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए, ठीक है, 10 के 10 है और इन्हीं में से आपको कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।